जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। शिव पुराण में महादेव अपनी मुख से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मल विसर्जन के बाद में यदि मनुष्य अपने हाथों को सबसे पहले मिट्टी से धोता है तो उस व्यक्ति को तत्काल तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं तो वो हाथ साबुन से पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम मिट्टी से हाथ धो लेते हैं तो हमारा हाथ तत्काल पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए आप रोजाना मिट्टी से हाथ नहीं धो पाते तो जिस दिन आप एकादशी, प्रदोष या जो भी व्रत करते हैं उस दिन मल विसर्जन के बाद सबसे पहले मिट्टी से हाथ जरूर धोइएगा। वहीं शंकर भगवान ये कथा नंदी को सुनाते हुए कहते हैं कि मल विसर्जन के बाद 7 बार या 5 बार 3 बार या 1 बार जो अपने हाथों से जो मिट्टी का प्रयोग करते हैं उन्हें तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वहीं कुछ चीज़ें भी वर्णित की गई हैं कि कांसे के बर्तन में शहद रख देते हैं तो कहा गया है कि वो शहद गौ मांस की तरह हो जाता है, इसलिए कांसे के बर्तन में शहद कदाप न रखें। और कहा गया है कि तांबे के बर्तन में यदि आप दूध रख देते हैं तो वो तत्काल जहर बन जाता है। और कहा गया है कि हाथों में फूल लेकर एक एक करके प्रभु को न चढ़ाएं, वही वो फूल किसी पात्र में रखकर फिर दाहिने हाथ से भगवान को एक एक करके फूल चढ़ाएं तो ज्यादा लाभकारी होगा। वहीं शिव पुराण में वर्णन है कि 36 करोड़ तीर्थों का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है अगर नंदी भगवान का चरण धोकर उनकी चरणोदक पिए हम तो। हर हर महादेव।